नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज फिर से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं को लेटेस्ट टॉपिक के ऊपर, मतलब है ओप्पो R15 ड्रीम एडिशन जो दोनों निकल के आने वाला है उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। मतलब इसका करते हैं पोस्टमार्टम, इसमें क्या क्या है, सही है नहीं है, क्या है, जो भी है निकल गया है, तो दोनों के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या इनमें होने वाला है। तो ठीक है, जो भी निकल के आएगा, और प्राइस जो है मैंने कल आपको यहाँ पर बता दी थी टेक अपडेट्स के अंदर। तो आगे बात कर लेते हैं इनकी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नीचे सब्सक्राइब मिल जाता है, दबाकर कर ले चैनल को सब्सक्राइब। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को जोर से लाइक कर दें, शेयर कर दें मेरे फ्रेंड्स को। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओप्पो के दो मोबाइल्स के बारे में, जो कि एक तो यहाँ पर R15 है और दूसरा यहाँ पर R15 ड्रीम एडिशन यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें जो है दोनों में वोथ 6.28 इंचेस की जो है फुल एचडी प्लस यानी 2280 पिक्सल जो है डिस्प्ले में मिल जाते हैं। तो OLED डिस्प्ले यहाँ पर बताई गई है। ये तो ऊपर का हिस्सा जो है ठीक ठाक यहाँ पर हो गया है, OLED डिस्प्ले यहाँ पर दे दी है, तो ऊपर का हिस्सा तो फिक्स है, अच्छा है, ठीक है। 19:9 का जो है एक्सेप्ट रेटियो है, तो ये भी ठीक है, काफ़ी कम जो है इधर उधर आपको वर्चुअली जो है बेजल कम मिलने वाली है। एंड्रॉयड 8.1 ओरियो के साथ जो है डायरेक्टली आ जाएगा, अगर आप लेते हैं तो ये सीधा ही इसके साथ आ जाएगा, बाद में कोई अपडेट आपको नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो शायद पी की मिलेगी जो कि नेक्स्ट निकल के आएगा। तो इसके फ्रंट में जो है यहाँ पर 20 मेगापिक्सल सेंसर दे दिया गया है, तो काफ़ी ठीक है। अपर्चर 2.0 यहाँ पर बताया गया, ये ठीक नहीं है क्योंकि अपर्चर जो है यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ी सी क्वालिटी कम हो जाती है, लेकिन सेल्फी में चलेगा, बिल्कुल दौड़ने वाला सेल्फी के अंदर, काफ़ी ठीक है भी। और इनबिल्ट स्टोरेज जो इसमें लगभग आपको मिलता है 128 GB, और 256 GB तक जो है आप इसमें एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, आप लगाने की ज़रूरत कहाँ, 128 GB मिल गया है तो काफ़ी है। तो मीडियाटेक हेलियो P20 चिपसेट के साथ ही आने वाला है, तो ये यहाँ पर जो है गड़बड़ होगी। जैसा कि हम बताते हैं कि सब कुछ जो है ओप्पो और वीवो अच्छा देते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोसेसर के मामले में जो है पता नहीं क्यों इतनी कंजूसी करते हैं। हो गया इसका यहीं पर पोस्टमार्टम, मतलब हेलियो P20 यहाँ पर दे दिया है। क्वालकॉम निकल के आता है तो काफ़ी मज़ा आता है। 6 GB की इसमें रैम बताई गई है, और Mali-G72 MP3 GPU दिया गया। GPU क्यों अच्छा दे दिया, वो भी थोड़ा सा हल्का दे देते, क्योंकि डिस्प्ले हैवी लगा दिए तो GPU यहाँ पर देना पड़ता है। ओप्पो R15 ड्रीम मिरर वाली एडिशन है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें दिया गया है स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का 660 प्रोसेसर, ये ठीक है, लेकिन इसकी प्राइस भी 3000 रुपये ज़्यादा है। तो ओप्पो R15 आपको मिलता है लगभग 30000 रुपये के आसपास, और ये मिलेगा 33990 या फिर 34000 रुपये के आसपास। एंड्रेनो 512 GPU है इसमें, ये भी ठीक है। 6 GB की रैम है इसमें, ये भी ठीक है। और R15 में 16 मेगापिक्सल के सोनी IMX519 सेंसर के साथ 5 मेगापिक्सल का एक और यहाँ पर जो है पीछे की तरफ एक कैमरा आपको मिलता है, और 20 मेगापिक्सल वही जो है फ्रंट में कैमरा मिलता है इसमें भी। ये भी दोनों सेम है, बस यहाँ पर जो है CPU का फ़र्क दे दिया गया, और सेकेंडरी कैमरा मतलब 20 मेगापिक्सल का, तो भाई यहाँ पर सेल्फी वही जो है अपर्चर 2.0 के साथ है। क्या मतलब दोनों में कितना आपको फ़र्क लगा, सिर्फ यहाँ पर CPU का ही तो फ़र्क निकल के आया, बाकी कुछ यहाँ पर फ़र्क दिया नहीं गया है। बैटरी की बात कर लेते हैं, R15 की बैटरी लगभग 3450 mAh की है, और दूसरे के अंदर सिर्फ 3400 mAh की बैटरी है। ड्रीम मिरर एडिशन के अंदर यहाँ पर बैटरी कम कर दी है, लेकिन प्राइस यहाँ पर फट चुकी है। और दोनों ही हैंडसेट जो है ओप्पो की VOOC फ्लैश चार्जिंग को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, मतलब थोड़ी सी जल्दी से चार्ज यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन इसकी एक चीज़ और है, यहाँ पर अगर इसका चार्जर आप दूसरे मोबाइल को चार्ज करने के यूज़ में लेते हैं तो वो दूसरा मोबाइल यहाँ पर चार्ज नहीं होता, पता नहीं कौन सी चार्जर टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। यही मोबाइल जो है चार्ज होते हैं, या फिर कुछ कनेक्शन इधर उधर उल्टे सीधे यहाँ पर कर देते हैं, पता नहीं है। तो सब कुछ यहाँ पर निकल के आया दोनों के अंदर, जो है CPU का यहाँ पर फ़र्क है, और CPU जो है पहले वाले के अंदर कम है, तो उस दूसरे वाले के अंदर बैटरी यहाँ पर कम कर दी, बात वहीं पर निकल के आती है। अगर आप लेते हैं तो ये बड़े वाला लें जिसके अंदर है 660 CPU, यानी R15 ड्रीम एडिशन मिरर एडिशन जो भी है ये वाला ही लेना, क्योंकि उसके अंदर तो मीडियाटेक का यहाँ पर CPU लगा दिया है, वो ठीक ठाक यहाँ पर चलने वाला नहीं है, मोबाइल होगा हीट और ठीक से यहाँ पर नहीं करेगा काम। तो ये था इसका पोस्टमार्टम, आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए लाइक कर दें वीडियो, जोर से शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।